आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहे कि अब पूर्ण रूप से हम लोग स्टूडियो जो है ऑनलाइन के लिए सेटअप कर चुके हैं और परीक्षा के समय ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जा सकती है और बच्चों के हित में ये काफी अनिवार्य भी था। चलिए, ये परीक्षा पर आज का विषय वस्तु है, परीक्षा पर आज हम चर्चा करेंगे और विद्यार्थियों को कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके आधार पर ये 12th का जो परीक्षा 1 तारीख से होने वाला है, 1 फरवरी से होने वाला है, और 10th का परीक्षा जो 15 फरवरी से होने वाला है, इससे बच्चे जो हैं ठीक से वाकिफ हो जाए और अब लास्ट समय में कैसे तैयारी करना है यह भी जान ले। काफी महत्वपूर्ण क्षण होता है। जो भी बच्चे, पहले मैं 12th के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद 10th के बारे में बताऊंगा। जो भी बच्चे 12th में हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका एग्जाम 1 तारीख से है, 1 फरवरी से होने वाला है, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एकदम चिंतित रहते हैं कि आप माने क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत प्रेशर होता है, आसपास के प्रेशर, शिक्षकों का प्रेशर, गार्जियंस के प्रेशर। तो मैं उन बच्चों से कहता हूं कि अब जो है 1 तारीख आने में महज 5 दिन बाकी है और अब जो है ज्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना चाहिए, तो आपने जो पढ़ा है उन्हीं पॉइंट्स को आप बार बार देखें। आप इस समय कुछ नया पॉइंट्स देखने के चक्कर में न पड़े। नया पॉइंट्स देखने से इस समय प्रेशर में याद भी नहीं होगा और साथ में जो है परेशानी और बढ़ेगी। जितना ज्यादा नए पॉइंट की तरफ बढ़िएगा, उतना ही आप एक जटिलता में डूबते चले जाइएगा और एक तरह का आपको लगेगा कि यह याद नहीं है, वह याद नहीं है, यह है कि नहीं, वह है कि नहीं, ऐसा होने लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो पहले से जो जानते हैं, जो आपने पढ़ा है पिछले 1 वर्षों में, निश्चित रूप से आपने मेहनत किया है और आपके साथ बहुत सारे शिक्षकों ने मेहनत किया है, और अब ये बारी है कि आप जो पढ़े हैं उसको आप एक बार रिविजन करें, उसको प्रत्येक दिन एक रूटीन के अनुसार आप बनाकर देखें, और दूसरी तरफ आप ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर न करें। अगर आपको मार्क्स अगर ठीक करना है तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए 12th के बच्चे अब ऑब्जेक्टिव का थोड़ा रिविजन करें और जो पढ़े हैं उसी को आप पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, अब मैं बचा हुआ जो समय है, क्योंकि 10th के लड़कों के पास ज्यादा वक्त है, 15 फरवरी आने में करीबन 20 दिन के आसपास का वक्त और बचा हुआ है, उससे कम, लगभग आप मानकर चलिए कि मोटा मोटी 15 दिनों का। ये 15 दिनों की मैं थोड़ा सा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या कर रहा हूँ। 15 दिन में अब बच्चों बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण इस बात की है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय जो है, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है अपने पुराने पॉइंट्स को देखने में लगाइए, नए पॉइंट्सों से थोड़ा सा दूरी आप बनाइए। और आपके लिए, आप जानते हैं जो 10th के बच्चे हैं वो जानते हैं कि 230 नंबर का उनका ऑब्जेक्टिव है। कितना का है? 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 230 नंबर 230 नंबर के बारे में सोचे तो थोड़ा सा लगता है कि ये बहुत भारी है। आपने पहले से तैयारी किया है, मैं जानता हूं। इसमें आप जानते हो कि 50 नंबर 50 ऑब्जेक्टिव जो है मैथ का, यह थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप आसान तरीका में पढ़ पाइएगा। आप एक काम करें, लास्ट के वक्त में आप एक पहले काम कर लें, जो आपका हिंदी है, संस्कृत है और सोशल साइंस है, सोशल साइंस और फिर साइंस, ये जो 400 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव की भागीदारी है, पहले आप उसको देखते रहें, उसको बराबर जो है किसी पब्लिकेशन का अगर ऑब्जेक्टिव है तो एक रूटीन बना लें कि हमें प्रत्येक दिन जो है वो दो दो लेसन पढ़ना है, इसको आप देख लीजिए। तो ये अंत समय में सबसे ज्यादा फोकस आप ऑब्जेक्टिव पर करना शुरू करें। और मैथ की जहां तक बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ में क्या होगा। मैथ में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव का मैं एक महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ,
एक ऐसा क्लास जिसमें संपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और इस संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को इस तरीका से बताया जाएगा कि कोई भी मैथ का सवाल आप 25 से 30 सेकंड में, हाँ सुन लीजिए, 25 से 30 सेकंड में बहुत सारे सवालों को आप बनाने के एबल, आपके पास एबिलिटी आ जाएगी, और पूर्ण रूप से एकदम शॉर्टकट टेक्निक से बताए जाएंगे। साथ में इसमें जो समय बचेगा, इसके बाद क्या होगा, मैराथन क्लास एक एक वीडियो में या दो तीन वीडियो करके आपको दे दिया जाएगा। फिर मैथ का जो हॉट क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द बेस्ट और VVI जो क्वेश्चंस हैं, वह मैथ का VVI क्वेश्चन जो है वह मैं इस चैनल के माध्यम से, जो हमारा चैनल है पहले से भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, चैलेंजर स्टडी पॉइंट करके एक चैनल बना है यूट्यूब पर, और वहां से आप सर्च करके और उसमें आप हॉट क्वेश्चन पढ़ पाइएगा। जो मैथमेटिक्स का जो हॉट क्वेश्चन है वह प्रत्येक दिन जो है 10-10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव जो है मैराथन क्लास में मैं डाल दूंगा, इससे आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो यह तो मैथमेटिक्स की बातें हो गई, और बाकी मैंने बता ही दिया कि उसको प्रत्येक दिन रूटीन बनाइए कि हमें 2 चैप्टर का प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव याद करना है, और ऐसी स्थिति में समय आपके पास 15 दिन के आसपास है तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्टिव याद कर जाएंगे। सबसे जो ज्यादा लड़कों को लगता है कि भाई खतरनाक एकदम मैथ, क्या अब गांव में देखो सबसे ज्यादा जो है लड़के मैथ पढ़ते हैं, और अगर रिजल्ट आता है तो उसमें फेलियर्स की संख्या सबसे अधिक मैथ में होता है। कारण क्या है? कारण यही है, एक सही रणनीति न होना, या फिर उसको डिस्क्रिप्टिव तरीका से ऑब्जेक्टिव को बना देना। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मैथ का मैं मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, यह मैराथन क्लास जो है आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परीक्षा में अगर 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना होता है, 100 ऑब्जेक्टिव में से आप इतना कैपेबल जरूर हो जाएं कि आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना करें। और इसी प्रयास के साथ हमारी टीम इसमें कार्य कर रही है, और मुझे आशा है कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बहुत जल्द कल कल या परसों तक, संडे तक जो है मैराथन क्लास में शुरू कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट उसमें होगा, और उसके बाद हॉट क्वेश्चन प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे तरीका से बताए जाएंगे कि अगर आप मैथ पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो एकदम साफ साफ समझ में आएगा। ये मेरा दावा है और ये वादा भी है। ठीक है, तो मिलते हैं मैराथन क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।